हेलो दोस्तों, तो आज हम कंपास जीप की कंपास मॉडल एस और लिमिटेड वेरिएंट में कंपेयर करने वाला हूँ और बताऊँगा आपको कौन से वेरिएंट में क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं और कौन सा आपके लिए लेना बेटर रहेगा। और जो हमारे पास अभी कंपास का एस मॉडल है वो है 4x4 के साथ डीजल में, और जो लिमिटेड है वो पेट्रोल में है। बट फीचर्स आपको पेट्रोल और डीजल में सेम मिलते हैं, बस इंजन का डिफरेंस होता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दूसरी भी चीज़, आपको प्राइस डिफरेंस क्या क्या आने वाला है और आपको फीचर्स क्या क्या मिलने वाले हैं वो सब हम डिटेल में आपको इस वीडियो में कवर करके बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके फ्रंट से। तो फ्रंट में आपको ये हेडलाइट मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर आपको हेलोजन में मिलेगा, और ये आपको एलईडी मिलने वाला है पूरा सेटअप। यहाँ पे आपको डीआरएल्स मिल जाते हैं, और ये कुछ इसकी 7 स्लॉट ग्रिल मिल जाएगी जो कि क्रोम में है। टो मॉडल में आपको यहाँ पर मैट ब्लैक में मिलती है, और यहाँ पर सेंटर पर आपको कैमरा मिलता है। बट यहाँ पर कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, लोगो यहाँ पर सेंटर पर प्लेस्ड है बोनट पर, जो कि क्रोम में है। फिर नीचे बढ़े तो नीचे आपको फोग लैम्प मिल जाता है यहाँ पे, और ये आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में काफ़ी सही लग रहा है, कुछ इस तरह से रहने वाला है इसका फ्रंट। नीचे आपको बम्पर मिल जाता है जो कि सिल्वर और ब्लैक कलर के फिनिश में है, इस तरह से रहता है। तो ये आपको इसका फ्रंट मिलने वाला है। को आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है यहाँ पे ऊपर, ये आपको एलईडी डीआरएस मिल जाते हैं डे टाइम रनिंग। ये आपकी 7 स्लॉट ग्रिल मिल जाती है जीप की सिग्नेचर, जो कि आपको इसमें मैट में दी गई है, ग्लॉस एंड मैट में फिनिश के साथ में। यहीं पे सेंटर पे आपको कैमरा माउंट मिल जाता है इस तरह से, और ये आपको जीप का लोगो रहेगा। इसमें मैट कलर में दिया है ब्लैक टाइप में, नॉर्मल जो इससे नीचे के वेरियंट है वहाँ पर आपको क्रोम में देखने को मिलता है लोगो। फोगलेम की बात करें तो यहाँ पर आपको फोगलेम मिल जाते हैं, ये भी एलईडी है। तो इस पर जो भी एलईडी हेडलैम्प्स और जो भी लाइट्स के यूनिट हैं सारे के सारे आपको एलईडी में ही मिलने वाले हैं। और ये आपको नीचे बम्पर मिल जाता है जो कि ये बॉडी कलर्ड में ही है, हालांकि एस मॉडल के अलावा नीचे के कोई भी वेरिएंट में जाते हो वहाँ पे आपको बॉडी क्लैडिंग मिलती है ब्लैक कलर में, बट इस मॉडल में आपको ओनली वाइट ही रहने वाली है पूरी गाड़ी। तो इस तरह से लुक आता है फ्रंट का। अब चलते हैं साइड पर, तो साइड आपको कुछ इस तरह से रहने वाला है। ये देखिए पूरी गाड़ी की लेंथ, हालांकि बहुत बड़ी है, 2600 mm से भी लेंथ इसकी ज़्यादा है। और यहाँ पे बड़ा सा व्हील आर्च मिल जाएगा जो कि आपको स्क्वायर शेप में मिलने वाला है ब्लैक में। उसकी जो क्लैडिंग है जो वो ब्लैक में मिलने वाली है, और नॉर्मल बॉडी आपको वाइट कलर में, क्योंकि जो टॉप एंड है और एनिवर्सरी एडिशन में ही आपको ये जो क्लैडिंग है वो भी आपको बॉडी कलर्ड ही मिलती है, बट इसमें आपको अलग मिलेगी। टायर साइज़ की बात करें तो टायर साइज़ आपको मिलने वाला है 225/55 R18 इंच का टायर साइज, और एलॉय व्हील्स आपको सेम मिलने वाला है जो कि टॉप मॉडल में आता है। आपको सेम 178 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है इसमें, और इस तरह से आपको कुछ साइड लुक आने वाला है। चारों ही टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक के ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि वेंटिलेटेड हैं, वो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर आपको RPMs मिल जाएगा, और इसमें आपको 360 कैमरा नहीं मिलेगा, 360 कैमरा भी ओनली टॉप एंड वेरिएंट में ही मिलता है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी क्रोम की फिनिश मिलेगी, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर प्लेस्ड है, और ये पियानो ब्लैक में मिलेगा, और ये डुअल टोन मॉडल है लिमिटेड एडिशन में। और ये क्रोम की पट्टी यहाँ से स्टार्ट होती है और अराउंड व्यू जाती है इस कार के चारों साइड पर जाके, वहीं पर आगे सेकेंड साइड के मिरर के वहाँ पर ख़त्म होता है। अब बढ़ते हैं इसके साइड पर, तो साइड पर बात करें तो सबसे पहले साइड लुक देखिए गाड़ी का किस तरह से है। बड़ा सा आपको व्हील आर्च मिलेगा जो कि स्क्वायर साइज स्क्वायर में है, और बॉडी कलर में ही आपको ये प्रोवाइड होगा। टायर की बात करें तो टायर प्रोफाइल आपको यहाँ पे अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं, जिसकी प्रोफाइल 225/55 R18 की प्रोफाइल मिलने वाली है इसमें, और आपको चारों ही ब्रेक डिस्क ब्रेक के ऑप्शन के साथ में मिलने वाले हैं। और ये डुअल टोन टॉप एंड मॉडल है, तो इस वजह से डुअल टोन के ऑप्शन के साथ में आएगा, और ये ब्लैक नहीं है, थोड़ा सा ग्रेइश टाइप में है और जो ब्लैक का लुक देता है। ये वाइट नीचे मिलेगा, RPMs पे आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएगा, और नीचे आपको कैमरे की ब्रेसिंग मिल जाएगी, मतलब इस गाड़ी में आपको 360 कैमरा मिलता है। रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा आपको पैसेंजर और ड्राइवर दोनों ही साइड पे, अगेन ये काफ़ी सही चीज़ है। रूफ रेल मिल जाते हैं, रूफ रेल आपको ब्लैक मिलेंगे मैट फिनिश के साथ में। तो इस तरह से
साइड प्रोफाइल रहने वाली है कंप्लीट। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 178 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिल जाता है। ये 4x4 प्रॉपर 4x4 के ऑप्शन के साथ में आती है, जो कि आप कहीं भी ले जा सकते हो। और ये टायर की बात करें तो टायर आपको ऑल टेरेन टायर मिलते हैं, ऑल सीजन, जो आप किसी भी वेदर में किसी भी कंडीशन में आप चला सकते हो, मड में एंड ऑफ रोडिंग कर सकते हो, सिटी में चला सकते हो, तो ऑल टेरेन टायर मिलते हैं। तो बैक में आते ही आपको सबसे पहले जो मिलने वाला है वो है इसका शार्क फिन एंटीना, ये देखिए। और रूफ रेल मिल जाते हैं जो कि ब्लैक कलर में है, और यहाँ पे आपको क्रोम का फिनिश दिया है थोड़ा सा, तो काफ़ी सही लग रहा है ये चीज़। कहने यहाँ पे स्पॉइलर मिल जाता है, स्पॉइलर में ही आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप दिया है। यहाँ पे आपको वॉशर मिल जाता है, ये डिफोगर, और यहाँ पे आपको वाइपर का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो ये इसका कंप्लीट कुछ लुक आने वाला है। इसके टेल लाइट की बात करूँ, टेल लाइट आपको LED मिलने वाला है, बट इंडिकेटर्स आपको हेलोजन मिलेगा इस वेरियंट में। ताकि टॉप मॉडल में आपको पूरा ही सेटअप आपको LED मिलता है, बीच में सेंटर पे आपको बैचिंग मिल जाएगी जीप की, जो कि इनर फेस में आपको ब्लैक डॉट रहेगा, ऊपर आपको क्रोम का फिनिश दिया है, नीचे आपको कैमरा मिल जाता है ये, तो इसमें बैक कैमरा दिया गया है। यहाँ पे आपको लिमिटेड की बैचिंग, इससे पता चलता है कि ये लिमिटेड मॉडल है, इस साइड पर कुछ नहीं। चार पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं आपको, और दो रिफ्लेक्टर प्लस फॉग लैंप के साथ में मिल जाता है। यहाँ पे आपको डोर ओपन करने का ऑप्शन मिल जाता है। टैंक की बात करूँ, टैंक आपको राइट साइड में मिलने वाला है ड्राइवर साइड के, और ये 60 लीटर का टैंक कैपेसिटी है। तो बैक की बात करें, बैक में आपको टेल लाइट्स का यूनिट है, वो प्रॉपर LED सेटअप मिलने वाला है कुछ इस तरह से। बीच में आपको जीप का लोगो मिल जाएगा, यहीं पे आपको कैमरे की प्लेसिंग मिल जाएगी। तो ये कुछ LED टेल लैंप रहने वाले। फ्रंट ऊपर की बात करें तो आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, यहाँ पे स्पॉइलर पे हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाती है, डिफोगर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको वाइपर का ऑप्शन भी मिल जाता है, यहाँ पे आपको वॉशर दिया है। तो ये कंप्लीट लुक रहने वाला है पीछे का। 4x4 की बैचिंग मिल जाती है यहाँ पे, और ये आपको मॉडल है इसकी बैचिंग। चार पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है ये चीज़, और दो रिफ्लेक्टर आपको मिल जाते हैं बैक साइड पे फॉग लैंप के साथ में। तो ये कंप्लीट इसका बैक लुक है। तो ये कुछ आपको बूट मिलने वाला है, सेम है लाइक जैसे टॉप मॉडल में होता है, बट यहाँ पे कलर्स चेंज किया है, क्योंकि ये डुअल टोन में आता है, और वो टॉप मॉडल ओनली ब्लैक आउट रहता है पूरी थीम। तो 408 लीटर का बूट स्पेस मिलने वाला है। यहाँ पे आपको हुक दिए हुए हैं, जैसे कोई चीज़ रखनी है उसको नेट से आपको बांधना हो तो आराम से बांध सकते हो, दोनों चारों साइड पे दिए हैं इस तरह से। ये आपको लैम्प मिल जाएगी बूट में, अगेन यहाँ पे जीप का सिग्नेचर लोगो, स्पीकर मिल जाता है आपको, और यहाँ पे कुछ हुक करने के लिए ये आपको स्पेयर व्हील मिलने वाला है, जो कि 225/60R17 है, मतलब एक साइज़ छोटा मिलने वाला है रेगुलर टायर से। और ये टेलगेट की बात करें तो ये टेलगेट ऑटोमेटिक बंद होता है, जैसे आपको यहाँ पे एक बटन दिए, इसको आप क्लोज करते हो, दबाया तो ये देखिए ऑटोमेटिक मिल जाता है इसमें। हालांकि ये लिमिटेड वेरिएंट से ऊपर आता है, नीचे के स्टार्टिंग के दो वेरिएंट में आपको ये नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको मैन्युअली ही करना पड़ेगा। और ये इस वाले वेरिएंट में भी आपको डोर ऑटोमेटिक के साथ में मिल जाता है, जो पीछे का है, जैसे यहाँ पे भी बटन दिया है, इसको मैं क्लोज करता हूँ तो ये देखिए अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत सही लगती है, मतलब कि इतना आप पे करते हो तो एटलीस्ट इस तरह के कुछ तो फीचर्स मिलने ही। ये कुछ लिमिटेड एडिशन की रहने वाली है, इधर जीप का लोगो, यहाँ पे अनलॉक लॉक, और ये टेलगेट। अब बात करें इसके की तो की कुछ इस तरह से की रहने वाली है, पीछे जीप का लोगो, और ये आपको बूट ओपनिंग का मिल जाएगा, ये अनलॉक ये लॉक, तीन ही ऑप्शन मिलेंगे, और कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है इस तरह की रहे। अब चलते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, की आपके पास है तो आपको बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। अगेन डोर काफ़ी हैवी फील होता है। यहाँ पे आपको डबल कलर में मिल जाएगा, लेदर की पैडिंग दी है, स्टिचेस वाइट कलर में मिल जाएंगे, पावर विंडो
फ्रंट विंडो आपको एंटी पिंच के साथ में मिलेंगे, ये आपको ORBMs के कंट्रोल मिल जाएंगे जो कि ऑटो फोल्डेबल के साथ में है। यहाँ पे पियानो ब्लैक का फिनिश दिया है, ये सिल्वर फिनिश में आपको डोर हैंडल मिल जाता है। यहाँ पे आपको लॉकर दिया है, नाइस टच। यहाँ पे आपको मेमोरी फंक्शन के ऑप्शन मिल जाते हैं सीट को मेमोराइज करने के लिए। 6 स्पीकर इसमें मिल जाते हैं। यहाँ पे बोतल होल्डर का ऑप्शन, यहाँ पे कॉइन होल्डर के लिए। तो इस तरह से आपको कंप्लीट डोर रहने वाला है फ्रंट की। तो चलिए चलते हैं अंदर। अगर की आपके पास है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक आप खोल सकते हो रिक्वेस्ट सेंसर की मदद से। फ्रंट का डोर इस तरह से रहने वाला है। तो यहाँ पे बात करें तो ये आपको क्रोम फिनिश में मिल जाएगा, काफ़ी सही लग रही है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक की फिनिश मिल रही है। ये आपको मेमोरी फंक्शन के ऑप्शन से यहाँ पे मिल जाएंगे। इसकी बात करें तो ये यहाँ पे सॉफ्ट टच दिया है मटेरियल, काफ़ी अच्छे तरह से यूज़ किया है। यहाँ पे लेदर की पैडिंग मिल जाएगी, ये कॉइन्स वगैरह रखने के लिए कुछ स्पेस मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको मिलते हैं चारों डोर, पावर विंडो, और फ्रंट के दोनों डोर पे और एंटी पिंच के साथ में विंडो रोलिंग डाउन के ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये आपको ORBMs के कंट्रोलर मिल जाते हैं। और यहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी लॉक, नीचे आपको 2 बोतल होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे स्पीकर जो कि एल्पाइन साउंड सिस्टम दिया गया है इसमें। अब चलते हैं इसके अंदर। तो अंदर की बात करें सीटिंग पे, सीटिंग आपको 8-way एडजस्टेबल सीटिंग मिल जाएगी जो कि इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल रहेगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से ये सीट रहेगी। पूरा ब्लैक इंटीरियर रहेगा इसके टॉप मॉडल में है इसमें। नीचे के बैडिंग्स में आपको डुअल टोन के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। और ये जो एस मॉडल है 4x4, इसमें एक ही ड्रॉबैक है क्योंकि इसमें मैनुअल का ऑप्शन नहीं दिया है आपको, ओनली ऑटोमेटिक के साथ ही आता है, ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स के साथ जो इसका 4x4 सेटअप है। अब डोर का थर्ड सुनिए, तो ये है क्वालिटी जीप की। ये देखिए, ये आपको स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है, ये आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ये क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन है, यहाँ पे MID और इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। लोगो चेंज कर दिया है, पुराने वाली जीप में सर्कल में आता था, यहाँ पे नॉर्मल सिंपल सा कर दिया है, तो काफ़ी सही लग रहा है। और हर जगह पे सॉफ्ट टचिंग दी हुई है मटेरियल, वो काफ़ी सही लग रहा है यहाँ पे। तो ये कुछ स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है इसका, लेदर रैप्ड में स्टीयरिंग व्हील रहने वाला है, और जिसमें आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों का ही ऑप्शन मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको 10 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा जो कि फुल्ली डिजिटल है, जिसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो इस तरह से। ये देखिए, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। और ये आपको मिल जाएगा क्रूज कंट्रोल के ऑप्शंस। यहाँ पे AC बैंड्स यहाँ पे दिए हैं जो कि बहुत पतले से स्लीक हैं, जो इसमें थोड़ी सी सिल्वर की फिनिश दी है, काफ़ी सही लग रहे हैं। यहाँ पे आपको लेदर की फिनिश मिल जाएगी, यहाँ पे स्टिचिंग किया हुआ है जो कि ब्लैक आउट रहने वाला है, सही लग रहा है। ये यहाँ पे आपको थोड़ा ग्लोसी फिनिश में मिल जाएगा जो कि, और ये आपको क्रोम में मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको डैशबोर्ड मिलने वाला है। बात करें इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के, तो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको 10 इंच का मिलने वाला है, इतना बड़ा सा फ्लोटिंग, जिसका मतलब मेन लुक है, बहुत सही लगता है देखने में। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, हिल होल्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल, और ये सारे देखिए, पैसेंजर एयरबैग, AC के कंट्रोलर, इसमें डुअल जोन AC क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है ऑटोमेटिक, दोनों साइड के AC आप चालू कर सकते हो अपने हिसाब से, को पैसेंजर आपका अपने हिसाब से कर सकता है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और ये ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स के साथ आता है तो इसलिए और ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग, और यहाँ पे आपको मोड्स मिल जाते हैं, सैंड, स्नो एंड ऑटो। यहाँ पे आपको ये कंट्रोलर, ये देखिए, होल्ड और फोर व्हील लो टेक्शन, ये आपको लॉक, इस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं 4x4 के। यहाँ पे पीछे बात करें, यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं कुछ इस तरह से, और ये आपको ग्लव बॉक्स मिलने वाला है, और ये आपको आर्मरेस्ट मिलने वाला है। इसके अंदर आपको थोड़ी बहुत स्पेस भी दी है जिससे आप, अब चलते हैं अंदर। अंदर की बात करें, आपको 8-way एडजस्टेबल सीट मिल जाती है ड्राइवर साइड, और ये सीट आपको टोटली लेदर में मिलने वाली है, लेदर फिनिश के साथ में, इस तरह से कुछ रहने वाला है। तो की आपको यहाँ पर रख दो। और अब बात करते हैं इसके अंदर, तो हेडलैम्प के कंट्रोलर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ये सारे हेडलैम्प के कंट्रोलर हैं। उसके बाद बात करते हैं, ये आपको AC बैंड्स मिल जाएंगे जिसकी फिनिश काफ़ी सही दी है। यहाँ पे आपको 10 कलर में डुअल टोन में इंटीरियर मिलता है, तो 10 कलर और ब्लैक में मिलेगा, ये लेदर
लेदराइज्ड है, यहाँ पे वाइट कलर के स्टिचेस हैं, सही लग रही है। ये ग्रे कलर में यहाँ पे आपको हल्का सा क्रोम बग मिल जाएगा, और ये सॉफ्ट टच में दिया है जो काफ़ी सही लग रहा है। तो सिलेक्टेड ऑफ मटेरियल काफ़ी सही है इस गाड़ी में, और काफ़ी अच्छे से कस्टमाइज की है हर एक चीज़ को। अगेन थर्ड सुनिए डोर का, तो ये स्ट्रॉन्ग ये बिल्ड क्वालिटी है जीप की। अब बात करते हैं स्टेयरिंग व्हील का, तो आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे मिलेगा जो कि थोड़ा और लगता है, मतलब फर्स्ट टाइम कोई गाड़ी में बैठता है तो वो बटन इस साइड ढूंढने का इधर ढूंढता है, वो अंदर साइड दिया है। तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ओके। इस तरह से आपको स्टेयरिंग व्हील मिलने वाला है इसका। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे MID के, और ये आपको MID मिलने वाली है। यहाँ पे दो एनालॉग मिलेंगे, RPM और स्पीडोमीटर, बीच में आपको डिजिटल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले मिल जाएगी जिसमें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से। ये देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट एडजस्ट कर सकते हो इस साइड से, और ये आपको क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाएंगे राइट साइड पे। जीप का लोगो, लेदर स्टीयरिंग व्हील, तो ये आपको MID मिलने वाला है। अब बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम के, तो आपको 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है सेम जो कि टॉप एंड वेरिएंट में आता है, और यहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले का सपोर्ट भी इस वेरिएंट में मिल जाता है। और इस डिस्प्ले की बात करें तो ये बहुत ही यूनिक है, बहुत ही स्मूथ इसका UI है, मतलब यूज़ करने में ना बहुत मज़ा आता है। तो ये बहुत अच्छा इसमें UI दिया हुआ है इस इंफोटेनमेंट सिस्टम का। वही बात करें यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ये सारे AC के कंट्रोल्स मिल जाएंगे यहाँ पे, और इसमें भी डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है, मतलब पैसेंजर अपने हिसाब से अपना फ़ैन की स्पीड एडजस्ट कर सकता है और ड्राइवर अपने हिसाब से। यहाँ पे आपको एक C पॉड मिल जाता है और एक USB टाइप, यहाँ पे फ़ोन रखने का स्पेस मिल जाता है, बट ये इस वेरिएंट में आपको वायरलेस चार्जर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ से आप स्क्रीन भी ऑफ कर सकते हो, तो आपको जैसे सॉन्ग बजा दिया कुछ भी तो उसके बाद में आपको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए नाइट ड्राइविंग में, तो आप स्क्रीन को ऑफ कर सकते हो यहाँ से। ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है लिमिटेड में, जो कि इस तरह से रहने वाला है। इसमें भी आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आने वाली है। ये 4x4 तो नहीं है इसलिए यहाँ पे ये सारे डमीज हैं। ये आपको फिनिश मिल जाती है वाइट में, ये दो कप होल्डर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि एडजस्टेबल है, और अगेन इसमें आपको स्टोरेज भी मिल जाता है अच्छा खासा। ये ग्लव बॉक्स मिल जाएगा सेम है, ऑटो डिमिंग IRBM मिल जाता है, एंटी मिरर मिल जाता है इसमें, और ड्राइवर साइड पे भी एंटी मिरर का ऑप्शन दिया है। यह आपको रीडिंग लैंप मिल जाते हैं, और यहीं पे आपको इसमें सनरूफ का ऑप्शन भी दिया है, तो यहीं पे आपको सनरूफ इस वेरिएंट में भी मिल जाती है लाइक दिस। सेम पैनोरामिक सनरूफ मिलती है जो कि आपको टॉप एंड वेरिएंट में आता है, तो अगर आप उतने पैसे खर्च नहीं करना चाहते हो तो ये वेरिएंट लेके 2-3 लाख बचा के खुश रह सकते हो इस वेरिएंट से, तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको माइक मिल जाता है, और यहाँ पे आपको बोर्ड खोलने का ऑप्शन मिल जाता है। इस गाड़ी में 6 स्पीकर आते हैं और 6 एयरबैग के साथ में, तो बहुत ही अच्छा पैकेज बन जाता है। IRBM मिलने वाला है आपको जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको सनरूफ और लाइट्स के कंट्रोल मिल जाएंगे जो कि हेलोजन में लाइट है, LED होती ज़्यादा अच्छा होता। और वैनिटी की बात करते हैं, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाते हैं, लाइटिंग इसमें नहीं है हालांकि, हाँ लाइटिंग का ऑप्शन भी दिया है, और यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, तो दोनों में ही आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको माइक मिल जाता है, और अब बात करते हैं सनरूफ की, तो सनरूफ आपको ये देखिए ये सनरूफ मिल जाती है, इतनी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ इसमें आती है, ये कुछ इस तरह से रहने वाला है। और तो ये इसका कंप्लीट फ्रंट रहने वाला है, और सीट की बात करूँ, सीट का कुशन बहुत सही है, लेदर में सीट मिलते हैं, यहाँ पे जीप का लोगो मिल जाता है, और ये कुछ इस तरह से सीट्स मिलने वाली हैं। पोस्चर, अंडर थाई सपोर्ट, बैक सपोर्ट, साइड सपोर्ट, और ये इसका है रूम काफ़ी सही है, मतलब अगर कोई हेल्दी इंसान भी बैठता है तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। म्यूजिक सिस्टम की बात करें इस गाड़ी की, तो इसमें आपको 9 स्पीकर मिलते हैं और 6 एयरबैग मिल जाते हैं, तो साउंड सिस्टम इसका बहुत सही है, लाजवाब बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
और आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं। बैक डोर की बात करें तो सेम मिलने वाला है, इस यहाँ पे पैडिंग मिल जाएगी लेदर की, यहाँ पे सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल, ये लॉक, और ये आपको ब्लैक पियानो फिनिश में दिया है। ये आपको पैडिंग मिल जाती है थोड़ी सी कॉइन वगैरह रखने के लिए। यहाँ पे ये पावर विंडो का ऑप्शन, यहाँ पे आपको बोटल होल्डर, और जगह जगह पे जीप का जो सिग्नेचर ग्रिल है वो दिया गया है, उसका लोगो, वो एक नाइस टच। और अब बात करते हैं इसके अंदर अंदर की सीटिंग, मतलब बैक साइड की क्या स्पेस है। ये पियानो ब्लैक फिनिश में, एसी के कंट्रोलर, एडजस्ट बेंड्स, यहाँ पे यूएसबी चार्जर, और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का डीसी कंट्रोल मिल जाएगा जो कि आप लैपटॉप वगैरह चार्ज कर सकते हो। सीट की बात करें तो सीट आपको लेदर में मिलने वाली है, इस तरह से बेज कलर में रहने वाली है ये, और आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, यहाँ पे एक आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि कप होल्डर के साथ में आता है, इस और काफ़ी बड़ा आर्मरेस्ट दिया है इसमें, तो आराम से आपको दो लोग बैठ सकते, थर्ड पर तीन लोग बैठने की, तीन लोग बैठ सकते हैं आराम से, पर ज़्यादा हेल्दी होंगे, अगर ज़्यादा फिजिक अच्छी खासी होगी तो तीसरा जो बंदा बैठेगा उसको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अंडर थाई सपोर्ट यहाँ पे थोड़ा कर्व दिया हुआ है, तो उसको अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम मिलेगा, बम भी थोड़ा सब उभरा हुआ है बाहर। तो इस तरह से आपको पीछे की सीटिंग का कंफर्ट ये सब मिलने वाला है। यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिल जाता है, यहाँ पे आप सामान वगैरह कुछ थोड़ा बहुत हल्का पूरा रख सकते हो। बात करें तो पीछे से आपका फ्रंट का लुक कुछ इस तरह से आता है, और ये आपको सनरूफ के मज़े मिलने वाले हैं पीछे की सीट से इस गाड़ी में। बात करें पीछे के डोर की तो पीछे डोर के डोर में आपको लेदर की पैडिंग मिल जाएगी सेम, यहाँ पे पियानो ब्लैक, और ये सिल्वर फिनिश में थोड़ा ये लॉक दिया है, लॉकर दिया है, अगेन काफ़ी अच्छा टच है। ये पावर विंडो का ऑप्शन, यहाँ पे कॉइन होल्डर या यहाँ पे वोल्टर होल्डर ऑप्शन, यहाँ पे आपको साउंड, ये अंदर चलते हैं इसके सीट पे, तो सीट का ऑप्शन ये यहाँ पे इसका कुछ मिलने वाला है। ये सीट मैंने मेरे हिसाब से एडजस्ट की थी, उसके हिसाब से आप एडजस्ट ये देखिए कितना अच्छा खासा आपको लेग रूम मिल जाता है। यहाँ पे मैगजीन होल्डर मिल जाता है आपको, यहाँ पे आपको कंट्रोल मिल जाता है एसी का, और ये एसी वेंट्स मिल जाते हैं, और ये यूएसबी का एक चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है यहाँ पे, और नीचे आपको 12 वोल्ट का डीसी कंट्रोल भी दिया है, तो आप यहाँ से भी कुछ चार्ज वगैरह लैपटॉप वगैरह आसानी से चार्ज कर सकते हो। तो ये कुछ आपको सेंटर का ये सब मिलने वाला है। यहाँ पे आपको हैंडल बार मिल जाता है, यहाँ पे कोट होल्डर मिल जाता है, ये आपको रीडिंग लैंप मिल जाती है सेम यहाँ पे भी, इंटीरियर भी पूरा ही ब्लैक है, मतलब ऊपर छत भी आप देख सकते हो चारों तरफ पूरा पूरा का पूरा आपको ब्लैक मिलने वाला है, जो कि एक बहुत सही चीज़ है और प्रीमियम लुक देता है ये चीज़। यहाँ पर आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि आप यहाँ से होल्ड करके ऐसे ओपन कर सकते हो, दो कप होल्डर मिल जाते हैं इसमें, और काफ़ी बड़ा और लेदर में दिया है जो काफ़ी होल्ड करना और रखना, ये हाथ को रिलैक्सेशन पोजीशन में रखना काफ़ी अच्छा कन्वीनियंट हो जाता है। और यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं दो, 60-40 स्प्लिट के साथ में ये गाड़ी आती है, और ये देखिए यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है। और फ्रंट से बात करें तो फ्रंट से आपको गाड़ी का कुछ डैशबोर्ड इस तरह से दिखने वाला है, और सनरूफ कुछ इस तरह से। वही अब बात करते हैं इस गाड़ी की सेफ्टी की, तो सेफ्टी में आपको ABS मिल जाता है, EBD मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट और हिल होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 6 एयरबैग मिल जाते हैं, और चारों ही व्हील्स में आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं जो कि बहुत सही है। तो ये आपको सेफ्टी के सारे फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं, और ये यूरो एनकैप्ड क्रैश टेस्ट में भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में आती है। अब बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शन की, तो इंजन ऑप्शन इसमें दो मिलते हैं, पेट्रोल टर्बोचार्जर और डीजल टर्बोचार्जर। चलिए बात करते हैं इसके इंजन की, तो इंजन इसमें वही मिलता है जो कि आपको जो फीएट सोर्सेस है 2 लीटर का क्रायोटेक डीजल इंजन, और जो 170 PS की पावर 350 Nm टॉर्क पे जनरेट करता है, और ये इंजन आपको शेयर करती है टाटा की हैरियर, सफारी, आपकी हेक्टर, काफ़ी गाड़ियों में इंजन शेयर होता है, तो बहुत ही रिफाइंड और पावरफुल इंजन है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइसिंग की, तो प्राइस इसका 28 लाख लगभग, एक शोरूम है, और ऑन रोड की बात करें तो लगभग 32 लाख ऑन रोड आपको मिल जाएगी 4x4 वेरिएंट की, और अगर आपको मैनुअल में जाना है तो 4 लाख रुपए लगभग आपको सस्ता पड़ जाएगा ऑटोमेटिक के अकॉर्डिंग। आपको सारे फीचर सेम मिलने वाले हैं, अगर मैनुअल में जाते हो आप तो वो आपको 4 लाख, 3.5 से 4 लाख रुपये सस्ती मिल जाएगी। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है 4x4 की तो आप 4x2 पे जा सकते हो इसके एस मॉडल पे, जो कि आपको 3 से 4 लाख रुपये सस्ता पड़ जाएगा, ऑलमोस्ट लगभग 29 लाख रुपए में आपको मिल जाएगा।
तो मेरे लिए वो डील आपके लिए ज़्यादा बेटर। जो गाड़ी है हमारे पास ये है पेट्रोल में लिमिटेड एडिशन, और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो प्राइस आपको 24,19,000 एक्स शोरूम मिल जाता है। ऑन रोड की बात करें तो आप लोग आपको आपके सिटी के हिसाब से 2-3 लाख एक्स्ट्रा रख लो ऑन रोड, मतलब टैक्सेशन के हिसाब से उस, तो आपको लगभग 27 लाख में आपको ये मिल जाएगी ऑन रोड। तो ये था हमारा जीप कंपास एस और लिमिटेड का कंपैरिजन। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर बात करें आपके लेने की तो अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है, हालांकि फ़ीचर्स डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 360 कैमरा नहीं मिलता है आपको, और वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन तो ऑलरेडी मिल जाता है, और ऐसे कुछ 9 स्पीकर नहीं मिलते हैं, थोड़ी बहुत आपको कॉस्ट कटिंग देखने को मिलेगी प्राइजेस में, बट ज़्यादा ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है, बाकी सब कुछ सेम मिल जाता है ऑलमोस्ट। तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बन जाता है लिमिटेड मॉडल लेने का। और लिमिटेड में भी 4x4 का ऑप्शन आता है, बट ओनली डीजल में आता है, तो वो आप भी आप कंसिडर कर सकते हो, जो कि टॉप मॉडल से सिर्फ 2 से 2.5 लाख रुपये सस्ता है। तो अगर टॉप पर नहीं जाना है तो आपको मॉडल लिमिटेड को कंसिडर कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए